स्पॉन्सर बाय नारायण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आगरा रोड आलमपुर हौज इटावा। अपने को मिनटों में गवा देने का दर्द कोई मणिपुर में रहने वाली इस माँ से पूछे। हिंसा में 23 साल के बेटे को खोने वाली ये माँ हफ्तों से नहीं सोई है। मारे गए युवक के पिता फौज में थे, भाई सुरक्षा बल में है। हमारा यहाँ लाइफ जीने का मतलब डेंजर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना हमने ट्राइबल लोग के लिए फैसिलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ अगर नहीं करेगा तो हमने भी नहीं मानेंगे और मैते लोग ने भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये शुरू हो गया है। मतलब ये सिविल वॉर भी है और गवर्नमेंट के साथ भी है, ये क्लियरली बोलता हूँ। ये जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल हमारा डिमांड है वो फुलफिल नहीं करेगा तो एक जो मोक में डेड बॉडी ये भी निकलेंगे नहीं। आजादी के बाद से ईसाई धर्म मानने वाले कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, जबकि मैतेई हिंदू अनुसूचित जाति बने। झगड़े की वजह यही है क्योंकि मैतेई लोग कुकी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते और अब जनजाति दर्जा चाहते हैं। तो मसला जमीन पर अधिकार का है। 28 लाख की आबादी में बहुसंख्यक मैतेई घाटी में रहते रहे हैं, जबकि कुकी आबादी 4 पहाड़ी जिलों में बसी हुई है। इस हिंसा में एक दूसरे के यहाँ जा बसे दोनों समुदाय के लोग शिकार हुए। वैसे राज्य में मैतेई मुसलमान और नगा भी हैं जो इस हिंसा से अछूते रहे। मीना ने यहीं अपनी बच्ची को जन्म दिया और फिलहाल पति से बिछड़ी हुई हैं। गुस्सा इतना है कि बेटी का नाम जीत पर रख दिया है। हम रात का खाना खाने जा रहे थे जब गांव पर हमला हो गया। घर बार छोड़कर नदी की तरफ भागे, जहां देखा कई बच्चे पानी के तेज बहाव से जूझ रहे थे। अगले दिन हमें उनके शव मिले। पिछले कुछ सालों में राज्य की सियासत ने पूर्व मैतेई हिंदू राजघराने की बढ़ती लोकप्रियता को भी देखा है, लेकिन मणिपुर के इतिहास में धार्मिक स्थल पहली बार निशाना बने हैं।